अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी जुबान में रखे। आज हम रिव्यू करेंगे बेलमोरिस होटल एंड रिजॉर्ट्स। इट्स लोकेटेड इन मुल्तान अब्दाली रोड। तो वहाँ पे हमने हाई टी की है और हाई टी बहुत ज़बरदस्त थी, और जो ओवरऑल इन्वायरमेंट और एम्बियंस था रेस्टोरेंट का बहुत ही अमेजिंग था। तो इसकी हम फूड रेटिंग करेंगे हाई टी की, और उसमें 20+ डिशेस थी। तो सबसे पहले इनका कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक होता है मिंट मार्गरेटा, इसकी रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10, बहुत ज़बरदस्त था ये। और उसके बाद इनका था रशियन सैलेड, और इसकी रेटिंग है 10/10, बहुत डिलीशियस था, बहुत वेल बैलेंस था, बहुत मज़ेदार था इनका रशियन सैलेड। और उसके बाद था क्रिस्पी क्रंची फिश, फिश की जो रेटिंग है 9 है आउट ऑफ 10। और उसके बाद इनका था चिकन टिक्का विद मायोनीज, तो इसकी रेटिंग है 10/10, इट वाज सो डिलीशियस एंड सो टेम्पटिंग एज वेल। और उसके बाद था चिकन स्टेक, इसकी रेटिंग है 8/10, इसका टेस्ट भी अच्छा था लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। और उसके बाद था इनका मटन पेशावरी कढ़ाई, इसकी जो रेटिंग है वो है 8 आउट ऑफ 10। और इसके बाद माई मोस्ट फेवरेट चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस, बहुत अच्छे बने हुए थे, टेस्ट बहुत अच्छा था, इनकी रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10, दैट वाज सो डिलीशियस एज वेल। और उसके बाद इनके स्वीट डिशेस डेजर्ट की तरफ आ जाते हैं, चॉकलेट मूज थी, और उसके बाद आपको पुडिंग मिलती है, ये इतनी अच्छी खास नहीं थी, इसकी रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। और उसके बाद आपको दिया जाता है चॉकलेट कप, और इसकी जो रेटिंग है वो 7 है आउट ऑफ 10। और उसके बाद डेजर्ट में आपको मिलता है गाजर का हलवा, और इसकी जो रेटिंग है ये भी 7 है आउट ऑफ 10। और उसके बाद आपको मिलते हैं गरम गरम गुलाब जामुन, इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बहुत गरम थे, वेल बैलेंस थे, शुगर लेवल बहुत अच्छा था। और उसके बाद आपको मिलती है चाय, चाय का टेस्ट अच्छा था, बहुत थिक थी। और ओवरऑल ये हमारा बिल बना था जी 4500।